सुप्रभात बच्चों, संस्कृत शिक्षा विभाग के दैवणी ऐप में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के 9वें अध्याय दूसरा देवदास, जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया जी, का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस कहानी के पर इसका परिचय देखते हैं हम। दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के प्रवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। इसमें प्रेम के पवित्र और स्थायी रूप को प्रस्तुत किया गया है। प्रेम के लिए किसी निश्चित समय, व्यक्ति और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों ये जो कहानी है ना दूसरा देवदास, ये एक प्रेम प्रसंग है, प्रेम पर आधारित है। और लेखिका ये कहती है कि प्रेम के लिए कोई स्थान, व्यक्ति, किसी की भी कोई निश्चितता होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम क्या है? एक मन का भाव है और वो भाव कभी भी, कहीं भी, किसी को भी देखकर जागृत हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इसमें भी हुआ है। तो आओ अध्ययन करते हैं। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतर रही है। आरती का समय है। गंगा के किनारे भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आए हुए हैं। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांत होकर बैठ जाइए, आरती शुरू होने वाली है। पंडित गण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। आरती से पहले स्नान की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि बच्चों किस जगह का वर्णन है? हरिद्वार का। हर की पौड़ी गंगा मैया की आरती यानी संध्या के समय का वर्णन है। गंगा मैया की आरती होने वाली है तो वहाँ के जो परिदृश्य है उसका बड़ा ही सुंदर लेखिका ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वहाँ का वातावरण है। यकाएक सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। यानी कि जय गंगा मैया की आरती शुरू हो गई है और बड़े बड़े दीपक जो है उन पंडितों ने क्या कर लिए हैं, अपने हाथ में ले लिए हैं। फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इटलाती हुई आगे बढ़ती है। गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा पैसा मुंह में दबा लेते हैं और फिर दूसरे दोने की ओर लपकते हैं। तो बच्चों जिस समय गंगा मैया की आरती होती है उस समय वहां पर जो भक्तजन आए होते हैं, जो लोग आए होते हैं, वो भी आरती करते हैं। तो वहां पर क्या है, एक दोने मिलते हैं जिनमें फूल और दीपक जलाया होता है। लोग क्या करते हैं, उनमें पैसे रख देते हैं और गंगा मैया में प्रवाहित कर देते हैं। वो उनका एक समर्पण का भाव है ईश्वर के प्रति, गंगा मैया के प्रति, उनके प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दोने उसमें तैरा देते हैं। और जैसे ही वो दोने तैरते हैं तो जो उसमें वहाँ गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से पैसे निकालने के लिए उनको पकड़ने भागते हैं। इन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, गंगा पुत्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि गंगा मैया ही इनकी जीविका और जीवन है। गंगा पुत्र इसलिए कहते हैं बच्चों को कि जो गंगा मैया है उसी में वो क्या करते हैं, उसके अंदर ही उसी उससे उनकी क्या चलती है, जीविका चलती है। यानी वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से उस रेजगारी को बेचकर ये नोट कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं पूरे। तो वो क्या करते हैं, जो पैसे रेजगारी यानी खुले पैसे जो उसमें चढ़ाए होते हैं ना, उनको ले लेते हैं और उनको इकट्ठा कर करके उनकी बहन या उनकी कोई बेटी या उनकी पत्नी जो होती है वो क्या करती है, सड़क के किनारे बैठ जाती है और जैसे उनके बदले उनको नोट ले लेती है लोगों से। यानी लोगों को खुले पैसे चाहिए होते हैं, उनको खुले पैसे दे देते हैं और नोट ले लेते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, गंगा पुत्र। पूरे वातावरण में अगरू और चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य होते हैं कि भक्त प्रसन्न होकर दान दक्षिणा देते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आरती के बाद का वर्णन है कि किस प्रकार का वातावरण हो जाता है, सुगंधित, चारों तरफ धूप दीप की सुगंध होती है। संभव नाम का लड़का अपनी नानी के यहाँ आया हुआ है। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसकी माँ ने उसे गंगा स्नान करने के लिए कहा था तो वह गंगा में शाम के समय स्नान करने आया। उसकी माँ ने उसे अपनी नानी के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति बच्चों हमें क्या सिखाती है
कि कोई भी शुभ काम करने से पहले ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। तो उनके भी माता पिता, संभव के माता पिता भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं, भी यदि हमारा बच्चा गंगा में स्नान करेगा और वहाँ की पवित्रता को धारण करेगा तो हमारे बच्चे का भी क्या हो जाएगा, आगे सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी उच्च पद पर चला जाएगा। और ऐसा सोच कर ही वो क्या करते हैं, उसको वहाँ भेजते हैं। और साथ में संभव भी खुश होता है, उसे अपनी नानी से मिलने का शौक होता है, इसलिए अपनी नानी के पास आना होता है, इसलिए वो वहाँ पर आ जाता है। आरती के बाद पंडित जी ने कहा तिलक लगाओ, नहीं तो दर्शन अधूरे रह जाते हैं। वो भी स्नान करने आया था तो उसे तो इतना ज्ञान नहीं था कि क्या क्या करना होता है। तो एक पंडित ने कहा कि बच्चे तिलक लगवाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्नान अधूरा रह जाएगा। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। उस समय संभव का ध्यान गंगा की छटा की तरफ था, यानी संभव क्या देख रहा था, गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा था। उसका ध्यान पंडित जी की बात की तरफ गया ही नहीं कि कलावा, कलावा क्या होता है बच्चों, हाथ में बांधे जाने वाला मोली सूत्र, तो वो बांधना चाह रहे थे और उसका ध्यान किधर था, गंगा की तरफ। तभी एक लड़की ने अपनी नाजुक लाई पुजारी की तरफ बढ़ाई। संभव ने उस लड़की की ओर देखा, उसके कपड़े एकदम गीले थे, उसके लंबे बाल काले शोल की तरह चमक रहे थे, दीपकों के नीम उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। उस लड़की ने पुजारी से कहा कि आज तो आरती हो गई, कल हम आरती के लिए के समय ही आएंगे। तो पुजारी ने उस हम का अर्थ उनके युगल के रूप में ले लिया, यानी वो संभव के पास आकर खड़ी हुई थी और उस लड़की ने कहा तो खुद के लिए था भी हम उस समय आ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, पंडित जी ने क्या समझ लिया कि हम का अर्थ क्या है, संभव और वो लड़की दोनों साथ में है। उनके मुंह से अनायास ही आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, अब जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। संभव और वह लड़की अकबका गई, यानी एकदम से उन दोनों को ये हुआ भी पंडित जी ने ये क्या कह दिया, क्योंकि पंडित जी को तो पता नहीं था भी ये दोनों अलग अलग हैं, पंडित जी ने सोचा ये दोनों साथ में। लड़की छिटक कर दूर हो गई, वह आगे बढ़कर और संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, यानी वो लड़की को क्या हुआ, उसे लज्जा का अनुभव हुआ और वो लड़की क्या हो गई, एक तरफ साइड हो गई, उसने सोचा कि ये मेरे से क्या हो गया। पुजारी ने गलत अर्थ लिया ले लिया, लड़की भी सोच रही थी कि भूल तो उसकी थी, बाद में वह आई थी, लेकिन दोनों की ही मनस्थिति बात करने के लायक नहीं थी। दोनों ने नज़र बचाते हुए चप्पले पहनी और दोनों चले गए, यानी दोनों ने, संभव और वो लड़की, दोनों को एक दूसरे से इस प्रकार से जब पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया तो वो दोनों को क्या हुआ, लज्जा का अनुभव हुआ और वो दोनों वहाँ से चले गए। संभव लड़की के पीछे जाता है और देखना चाहता है कि वह किस तरफ गई है, लेकिन भटकते भटकते संभव हार जाता है, किंतु वह गुलाबी आकृति उसे नहीं मिलती है और वह वापस अपने नानी के घर आ जाता है। घर आने पर जब उसे उसकी नानी कहती है कि कुछ खा लो, तो वो कहता है मुझे भूख नहीं है। नींद और स्वप्न के बीच संभव को घाट की सारी बातें याद आ रही थी, लड़की का आंखें बंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, यह सब बातें उसे बार बार याद आ रही थी। बार बार संभव को याद आ रही थी, क्यों, क्योंकि वो उसको भूल नहीं पा रहा था और संभव को ये बातें याद आ रही थी, इसलिए वो उससे क्या हो रहा था, बेचैन हो रहा था, ऐसा वो उस पर क्या हो गया था, आकर्षित हो गया था बच्चों। इसीलिए अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी, किंतु आज उसे एक निराली अनुभूति हो रही थी जिसमें से कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। अगले दिन नानी ने कहा आज बैसाखी है, गंगा स्नान कराओ। तो एक बार तो संभव ने मना कर दिया, किंतु वह गंगा स्नान करने के लिए घाट पर गया। अचानक जब उसे फिर आई ना याद उस लड़की की, तो उसने सोचा कि क्या पता मैं आज जाता हूँ वापिस, क्या पता पुनः मिल जाए। उसने देखा कि कोई भी स्नानार्थी आनंद की डुबकी नहीं लगा रहा, बल्कि ज्यादा समय ध्यान ले रहा था, सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़े थे, यानी लोग क्या कर रहे थे। संभव ने यह देखा कि गंगा में लोग क्या कर रहे हैं, स्नान तो कम कर रहे हैं, यानी उस स्नान से खुश नहीं है वो इतना, जितना वहां पर जो पूजा अर्चना करके उनको सुख और शांति मिल रही है, उतना उनको स्नान से आनंद नहीं आ रहा है। तभी संभव की दोस्ती एक छोटे बच्चे से हुई, जिसने बताया कि वह मनसा देवी अपनी बुआ के साथ जा रहा है। तब संभव ने सोचा कि उसे भी मनसा देवी जाना चाहिए, इसके लिए वह
रोपवे पर बैठ गया। बहुत ही जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी पहुंच गई। वहां पर मनोकामना के लिए लाल पीले धागे बिक रहे थे। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई और नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। और अब क्या हुआ, संभव जो है बार बार उस लड़की के ख्यालों में खोया जा रहा था, उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तो जब उस छोटे बच्चे ने उसे कहा कि मनसा देवी के भी हमें जाना चाहिए, वहां पर क्या होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो संभव ने भी क्या किया, वहां पर गया और वहां पर मनोकामना का धागा बांध कराया जैसे और लोग बांध रहे थे। वापस आने के लिए जब संभव केबल कार में बैठा तो उसे अपने सामने जाती हुई केबल कार में वह बच्चा दिखाई दिया और उसके साथ एक श्याम सलोनी आकृति बैठी थी। इसे देखकर संभव बेचैन सा हो गया। मतलब संभव ने क्या हुआ, जब वो रोपवे से वापस उतर रहा था तो उसके सामने एक केबल कार जो जा रही थी उसमें वो बच्चा बैठा था जो उसे मिला था, जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, और उसके साथ एक लड़की बैठी थी। तो उसको देखकर संभव को ऐसा लगा कि कहीं ये वही तो लड़की नहीं है। तो उसको क्या हुआ, बेचैनी हुई। नीचे आकर संभव ने उस बच्चे को पुकारा और उससे बात करने लगा। तभी उस बालक को उसकी बुआ ने पुकारा। संभव ने कहा, मुझे भी तुम्हारी बुआ से मिलवाओ। यह वही लड़की थी जो उस दिन संभव को मिली थी। उस दिन उस लड़की ने बालक से कहा कि कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता। जब संभव को ये शक हुआ कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, तो इसलिए संभव ने उसको अपने छोटे दोस्त को कहा कि मैं भी तुम्हारी बुआ से क्या है मिलना चाहता हूँ, और इस बात को मैं भी तुम्हारी बुआ से क्या है मिलना चाहता हूँ, और इस बात को लेकर संभव उससे मिला। तो उस बच्चे ने कहा, तो जब उसकी बुआ ने पूछा कि इनका नाम क्या है, तो वो कह तब उसकी बुआ ने उसको कहा कि क्या मन्नू, उस बच्चे का नाम था बच्चों मन्नू, कि मन्नू तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें अपने दोस्त का नाम भी नहीं पता। संभव ने गौर किया, वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज, पुलक से उसका रोम रोम खिल उठा। कि संभव ने जैसे ही वो लड़की बोली, बोलते ही संभव समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन उसे मिली थी। उसने कब सोचा था कि उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। लड़की ने आज गुलाब भी परिधान नहीं पहना था। संभव बहुत खुश हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। उसके रोम रोम क्यों हो गए बच्चों, क्योंकि उसने वही तो मनोकामना की थी मनसा देवी के मंदिर में धागा बांध कर आया था कि मुझे वो लड़की मिल जाए, और वो लड़की उसे नीचे आते ही मिल गई। पर सफेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। उधर उस लड़की ने भी क्या किया था, ऐसी ही मनोकामना कर रखी थी कि मुझे भी वो लड़का मिल जाए। और उधर तो उस लड़की ने सोचा कि अब मैं मनसा देवी के फिर जाऊंगी और फिर चुनरी चढ़ा कर आऊँगी, क्योंकि मेरी मनोकामना तो हाथ के हाथ क्या हो गई है, पूरी हो गई है। इतने में ही मनु ने पारो बुआ इनका नाम है पुकारा, संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गांठ का मधुर स्मरण हो आया था। और संभव ने खुद को क्या बताया, देवदास, कि संभव देवदास। और इस प्रकार से उसने अपने मन की बात उस लड़की के सामने कह दी, यानी कि वो भी तो यही चाहता था, उस लड़की से मिलना चाहता था। तो बच्चों इस पाठ का नाम जो दूसरा देवदास रखा गया है वो बिल्कुल उचित है। कैसे, क्योंकि देवदास का अर्थ होता है जो अपनी प्रेमिका को पागलपन की हद तक प्रेम करता है, और ऐसा ही संभव के साथ हुआ था, वह भी पारों के लिए पागल हो जाता है। देवदास यहाँ प्रेम का प्रतीकात्मक शब्द है। तो लेखिका ने जो ये दूसरा देवदास कहानी है, इसमें युवा मन की, यानी दो, एक लड़का संभव है और लड़की पारो है, उनको आधार बनाकर युवा मन की जो आकर्षण की भावना है, उनके अंदर प्रेम की जो भावना है, उसको इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। धन्यवाद।